Hi everyone, welcome to the Arab Public School at Home e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about exercise 10.1. आज जो हम लोग पढ़ेंगे बाबू वो एक्सरसाइज 10.1 पढ़ेंगे क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, तो 10.1 में हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का. ड्रॉ द हैंड्स टू शो given time on the clock face. ठीक है, क्लॉक फेस में हम लोग को टाइम शो करना है. क्वेश्चन एक जो है वो है क्वार्टर पास्ट 8. तो पहले एक सर्कल बनाओगे. ठीक है, ठीक है, इस सर्कल में क्या करोगे, टाइम को रिप्रेजेंट करोगे. यहाँ पे होते हैं आपका 12, उसको यहाँ पे होता है 3, 6, यहाँ पे होता है आपका 9. ठीक है, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, और यहां पे हो जाएगा आपका 5, यहां पे हो जाएगा आपका 7, और यहां पे हो जाएगा आपका 8, यहां पे 10, और ये हो जाएगा 11. ऐसे आपकी घड़ी तैयार हो जाएगी. उसके बाद दिया है क्या, बीच में एक डॉट दे दिया है और बोला है क्या, इसको टाइम रिप्रेजेंट करना है क्वार्टर पास्ट 8. इस पे घड़ी की सुई ऐसे बनाना है जो आपका क्वार्टर पास्ट 8 हो जाए. तो पहले क्वार्टर पास्ट का मतलब समझो. क्वार्टर पास्ट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है सवा, और सवा का मतलब होता है कुछ बजकर क्या 15 मिनट, यानी कुछ बजकर 15 मिनट. सवा का मतलब क्वार्टर पास्ट का मतलब, तो कुछ बजकर 15 मिनट, यानी यह हम बोल रहे हैं क्वार्टर पास्ट 8. यानी क्वार्टर पास्ट पास्ट 8 का मतलब क्या, 8:15. तो आपके जो आवर हैंड होगी वो कहां होगी, 8 पे. ये आवर है ना, तो आवर हैंड छोटी होती है, तो 8 पे करो आवर हैंड. ये हो गया आपकी आवर हैंड, यानी घंटे की सुई. ठीक है, ये घंटे की सुई हो गई आपकी. अब 15 मिनट, तो जो मिनट्स काउंटिंग होते हैं ये 12 से, तो यहां से काउंट करो. 1 पे आओगे तो 5 मिनट, फिर 1 से 2 पे आओगे तो 5 मिनट, फिर 2 से 3 पे आओगे तो 5 मिनट, तो 5, 5, 10, 5, 15. यानी मिनट हैंड जो होगी वो यहां से कहां आ गई होगी, 3 पे. ये आपका होगा क्वार्टर पास्ट 8. समझ में आया. पहले तो क्वार्टर पास्ट का मतलब समझेंगे. क्वार्टर पास्ट क्या होता है बाबू, सवा. सवा का मतलब होता है कुछ बजकर 15 मिनट. तो यहां पे 8 बजे है. ठीक है, क्वार्टर पास्ट 8 बोला तो 8:15, तो 8 बजकर, यानी आवर हैंड कहां होगी आपकी, 8 पे होगी, तो आवर हैंड 8. अब 15 मिनट, तो यहां से 5-5 काउंटिंग करेगी. तो देखो 12 से 1 पे आने पे 5 मिनट, फिर 1 से 2 पे आने पे 5 मिनट, फिर 2 से 3 पे आने पे 5 मिनट, तो 5, 5, 10, 5,
15 मिनट्स, ये आपकी कंप्लीट हो गई क्वार्टर पास्ट एट। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, बी में आपका क्या है, अब बी का देखिए, बी में बोला है 6 o'clock, 6 o'clock यानी कंप्लीटली 6 बजा है, तो आवर हैंड कहां होगा, 6 o'clock ऐसे लिखते हो ना, ये घंटा हो गया, ये मिनट हो गया, 00 मिनट यानी कुछ भी मिनट नहीं, तो ये घंटा, आवर हैंड कहां होगा, मान लो ये सेंटर है, आवर हैंड कहां होगा, 6 पे होगा, जो घंटे की सुई होगी वो 6 पे होगी, कुछ भी मिनट नहीं हो रहा है, तो बड़ी जो मिनट हैंड होगी वो कहां होगी, 12 पे होगी, ठीक है, तो ये आपका 6 बज गया। नेक्स्ट सी, करते जाइए शांत शांत, मिलाते जाइए, जो बना रहे होंगे वो मिलाएंगे, जिनका नहीं बना होगा वो देखेंगे। अब देखो 4:30 बोला है, 4:30 इट मीन्स यहां आपका सेंटर, आवर हैंड कहां पे होगा, तो 4 पे होगा, आवर हैंड 4 पे होगा। अब मिनट हैंड क्या, तो मिनट 30 मिनट, तो यहां से होगी यहां पे 5, 5:10, 5:15, 5:20, 5:25, 5:30, यानी मिनट हैंड आपका कहां होगा, 6 पे, ये होगा 4:30, यानी हाफ पास्ट 4 भी कर सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, हाफ पास्ट 4, 4:30, हाफ पास्ट का मतलब क्या, 4:30, तो 4:30 क्या होगा, क्या हाफ पास्ट 4 कर सकते हो, क्लियर। अब यहां पे आगे देखो क्वेश्चन नंबर डी, डी देखिए लो इसका, तो डी मैं बताने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग इसको बनाइए लो, 3:15 का, 3:15 इस वॉच को मैंने मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर हो गया, 3:15 का इंडिकेट कराइए, तो यानी 3:15 जल्द कीजिए लो, विद इन 30 सेकेंड्स कीजिए, तुम देख रहे हो टाइम, थ्री फिफ्टीन को इसमें बनाइए रसोई, हो गए, चलिए देखिए अभी 3:15 इट मीन्स आवर हैंड कहां होगा, 3 पे, तो आवर हैंड छोटा होता है 3 पे, क्लियर। अब मिनट हैंड, आवर हैंड 3 पे, मिनट हैंड कहां होगा, तो 15 यानी 15 मिनट, तो यहां से चलता है 5, 10, 5, 15 इसी पे होगा, ये आपका आवर हैंड हो जाएगा, और इसी के ऊपर क्या होगा, मिनट हैंड होगा, क्लियर, तो ये मिनट हैंड हो गया 3:15 का। उसके बाद क्वेश्चन ई, बोला 9 o'clock, चलिए बनाइए लोग जल्दी, 9 o'clock का बताइए, तो कहां पे होगा, कैसे होगा 9 o'clock का, विद इन 10 सेकेंड्स, बहुत कम टाइम है 10 सेकेंड ना, चलिए 30 सेकेंड्स बताइए, टाइम अप, देखिए अभी 9 o'clock यानी 9 ये आवर में है और ये मिनट में, तो मिनट तो 0 है, 9 कंप्लीटली है, तो पहले आवर हैंड को कहां करो, 9 पे, और मिनट हैंड को 12 पे, ये आपका 9 o'clock हो गया, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट एफ, एफ में जो दिया है बाबू, बोला है हाफ पास्ट 1,
हाफ पास्ट वन का मतलब क्या, 1:30, 1:30। तो बताइए इसका क्या होगा, चलिए जल्दी फटाफट जल्दी कीजिए बाबू। वन थर्टी हो रही है, देखिए 1:30 पहले आवर हैंड कहां पे, 1 पे, ये आवर हैंड हो गया 30 मिनट्स। तो 30 कहां जाएगा, तो यहां से काउंट करोगे 5, 5:10, 5:15, 5:20, 5:25 और 5:30, यानी मिनट हैंड कहां हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 1:30। ऐसे टाइम आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बाबू, रीड द टाइम इन द क्लॉक्स। Write in both words. देखो फिगर्स में भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है, ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन है। तो सबसे पहला आपका जो है ए नंबर में वो क्या है वो देखिए, पहले घड़ी बनाइए, ठीक है, लगभग लगभग आपकी घड़ी तैयार हो गई। इसको मान लो आपकी लगभग ये आपकी वॉच, ठीक है। आप लोग बैंगल्स बनाना चूड़े जानते हो ना, बने जाते हैं जो औरतें लोग पहनती हैं, उससे बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इस पे पहले इंडिकेट कराओ 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8 और ये आपका सेंटर। तो पहले वाली घड़ी में सुई जो है वो कहाँ का, ये आवर हैंड यहाँ पे है और मिनट हैंड 12 पे है। तो बोला है कि रीड द टाइम, टाइम को रीड कीजिए, देखिए पढ़िए, इन द क्लॉक्स, क्लॉक्स में, एंड राइटिंग बोथ वर्ड्स एंड फिगर, दोनों में लिखना है। पहले इसमें देख लीजिए कितने बजे हैं और इसको जो ब्लैंक्स दिया है उस ब्लैंक्स में दोनों लैंग्वेज में लिख जाना है। तो क्या लिखोगे, तो कितने बजे हैं बाबू, देखो 5 आवर और मिनट्स की सुई किस पे है, मिनट्स की सुई आपकी 12 पे, यानी 00 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिगर में 5, फिगर में क्या हो गया बाबू 5, और टाइम में क्या हो जाएगा, वर्ड्स में क्या हो जाएगा 5 o'clock। समझ में आया, मिनट में आपका हो गया, सॉरी फिगर में हो गया 5 और वर्ड्स में क्या होगा 5 o'clock, ये पहला है। उसके बाद बी में क्या है, बी में, बी देखिए, बी में आपका है
आवर हैंड जो है वो सेवन पे है और मिनट हैंड जो है सॉरी आवर हैंड कहाँ सेवन पे और मिनट हैंड कहाँ है सिक्स पे, मिनट हैंड सिक्स पे। तो बोला बताइए टाइमिंग, तो टाइमिंग देखिए आवर हैंड सेवन तो आवर की जगह पे क्या लिख दो सेवन और मिनट का क्या करो तो मिनट यहां से काउंट करोगे फाइव फाइव टेन फाइव फाइव का गैपिंग होता है ना पांच पांच दस फाइव फिफ्टीन फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव थर्टी यानी सेवन थर्टी। और जो इस टाइम को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं जब भी कुछ स्टार्टिंग हो रहा हो तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं हाफ पास्ट। तो क्या बोलोगे बाबू हाफ वर्ड में हाफ पास्ट सेवन। समझ में आया ये आपका फिगर में हो गया और ये आपका वर्ड में हो गया यानी सेवन थर्टी हो रहा है यानी साढ़े सात हो रहा है यानी हाफ पास्ट सेवन। क्लियर नेक्स्ट इसके बाद है आपका एक और मैं कोई बता देता हूं उसको आप लोग ई नंबर और सारा आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ओके। ई का देखिए उसका फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ई नंबर मैं बता रहा हूं ठीक है क्योंकि और सब सेम सेम है वही सही ई और सी एक जैसा है हो जाएगा आपका। आवर हैंड कहाँ है फाइव के आसपास में है ठीक है पूरे फाइव पे नहीं है लेकिन फाइव से थोड़ा सा ये ठीक। मिनट हैंड कहाँ है थ्री पे ठीक। कितने टाइम हो रहे हैं बाबू तो आवर हैंड फाइव और मिनट हैंड फाइव यहां से गैपिंग फाइव फाइव टेन फाइव फिफ्टीन यानी फाइव बज के फिफ्टीन मिनट। तो फाइव फिफ्टीन इसको क्या कहोगे अब कुछ बचकर पंद्रह मिनट हो रहा है ना तो उसको हम क्वार्टर पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं क्वार्टर पास्ट कुछ बच के पंद्रह मिनट तो ये हो जाएगा आपका क्वार्टर पास्ट फाइव। क्वार्टर पास्ट क्या हो जाएगा बाबू क्वार्टर पास्ट फाइव ये आपका हो जाएगा ऐसे कंप्लीट ओके। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे अगले एक्सरसाइज अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों हैव अ नाइस डे।